Assalamualaikum everyone. This is me, Faina Mughal, and you're watching my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब कुछ करें. तो यार आज घर में कुछ खास बात है. वो खास बात ये है कि पूरा घर पहला पड़ा है. हम करवा रहे हैं घर में कलर, और जो कलर मैंने चूज किए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने घर का हुलिया दिखाती हूँ कि मेरे घर का हुलिया जो है वो क्या हो रहा है. तो आज यहाँ पे सारा सामान बिखरा पड़ा है, गुलदस्ते भी रखे हुए हैं. ये सारा जो सामान है ये हमारे ड्राइंग रूम का सामान है. यहाँ पर बिखरा नहीं पड़ा, मतलब रखा हुआ है. टेबल तो आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पर होती है, और सोफ़ा वगैरह जो है सारे हमने पहले से बाहर रख दिए हैं. तो यहाँ पे ये जो मेरी दो बहनें हैं यहाँ डिसाइड कर रही हैं कि इस दीवार पे कौन सा कलर कराना है और इस दीवार पे कौन सा कलर कराना है. टेबल शेबल सब बाहर आ गई है. ये देखिए घर की दीवारें कितनी गंदी हो रही हैं. और ये हमारे घर में माशाल्लाह आप लोगों को पता है कि सिला बतूल और हमारा काकड़ू घर में होता है. काकड़ू मीन्स के मेरा भतीजा घर में होता है. तो उन्होंने दीवारों पे इतनी पेंटिंग कर रखी हैं कि अभी मम्मी जो है ना समटाइम इनको उससे क्या बोलते हैं किससे? रेजगारी. रेजगारी क्या होती है? रेगमाल. हाँ रेगमाल से नहीं साफ किया हुआ मम्मी ने. ये उससे साफ किया है. किससे? जूने से भी नहीं साफ किया हुआ ये उससे. मम्मी किससे साफ किया था? साफ किससे की थी आपने दीवारें साफ किससे करी थी आपने? हाँ स्पंज और सर से मम्मी ने दीवारें साफ की थी. और मम्मी ने आज बनाई है शकरकंदी. मम्मी सारी शकरकंदी जला दी. हाँ जल गया. हाँ जल गया. और मम्मी ने बनाई है फ्राइड फिश. आज के डिनर में है फ्राइड फिश. मैं भी काट रही थी शोरबे वाली की है. शोरबे वाली क्यों बनाई है? कौन खाता है शोरबे वाली? छोड़ो इतनी भी गर्म नहीं है मम्मी. और ये आज बने हैं मौसी चावल. क्या बना है? मौसी चावल. बना है मौसी चावल. चावल ही बने सर. ये बनी है उसमें बहुत सारे काटे, मैं नहीं खाऊंगी. तो मैं अपनी पेट पूजा करूंगी अभी शकरकंदी से. और ड्राइंग रूम में जो कलर का काम पहले से स्टार्ट हुआ पड़ा है. और ये देखिए सारा जो है यहाँ ड्राइंग रूम सब फैला हुआ है. और हमने जो कलर स्टार्ट कराया है वो ये कलर स्टार्ट कराया है अभी ग्रे, क्योंकि अभी गीला है तो अभी ये इस तरह का टेक्सचर दे रहा है आपको. लेकिन जब भी तो पूरी दीवार कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये पूरा रूम जब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो बाकी की सिचुएशन और बाकी की चीज़ें हम आपके साथ में शेयर करते हैं. तो ये जो सूख करना थोड़ा सा हल्का हो गया है ना लग रहा है, लेकिन ये कि जब ये पूरा कमरा रेडी हो जाएगा ना ये बहुत अच्छा लगेगा. तो मैं कुछ कलर्स वगैरह की बाल्टियाँ भी मंगवाई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि जो कलर की ट्यूब आती है ना उस ट्यूब के साथ कलर को बनाने के. तो हमारे तारिक भाई ने बड़े मजे का कलर बनाया. एक ये कलर बनाया है, मैंने ये कलर है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ. ये वाला कलर है. तो अरे इस पर तो अभी मेरा हाथ लग गया. अच्छा साफ हो जाएगा, लेकिन ये कच्चा है तो ये साफ हो जाएगा. ठीक तो चलिए वापस बाहर चलते हैं. तुम लोगों ने सोच लिया कि क्या क्या करना है? हम लोग अपने स्वेटर चेंज करेंगे, पर्दा चेंज करेंगे, नाजा जी लाएंगे, जुल्फिकार लाएंगे, हम बहुत सारे कपड़े लाएंगे, हम वास लाएंगे, बहुत कुछ लाएंगे. तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया रेनोवेशन के लिए? ये डिसाइड कर रहे हैं. क्या ये डिसाइड कर कलर चेंज करने का सोच रहे हैं? तो कलर ये सोफे में तो अभी हमने चादर लगाई हुई ना, वैसे सोफे ये देखो ब्लैक कलर के. तो अब ब्लैक का जो ट्रेंड है वो बहुत पुराना हो गया. ब्लैक का ट्रेंड बहुत पुराना हो गया. तो हमने इसके सोफों के क्या चेंज करने हैं? कवर चेंज करेंगे हम. कौन से कलर के? ग्रे कलर. ये पहले से ग्रे कलर ही है, ग्रे और ब्लैक है ये कलर. ये देखें लेकिन ये दोनों नहीं. ये कलर कौन सा है ये? नहीं ये कलर कौन सा ये बताओ. ग्रे और ब्लैक. तो अभी सिर्फ ब्लैक कलर के सोफे आने या सिर्फ कौन से कलर के? लाइट ग्रे जो मैं शर्ट का जमीन में ला दिया था. हमारे घर में ना बच्चे हैं और तुम लोग उससे भी छोटे बच्चे हो. तुम लोग भी इससे छोटे बच्चे हो. मैं काम देखिए ये कलर अच्छा लग रहा है. ये अच्छा लग रहा है. हाँ
ये अच्छा लग रहा है आप जो दिखा रहे हैं ये भी। लेकिन मुझे तीन रंग का कमरा नहीं बनाना, मुझे नहीं बनाना। हाँ तीन रंग का नहीं बनाना मुझे कमरा, दो रंग का ही रखना है मुझे कमरा। अभी ये जो हो रहा है यही आने दे हम। मैं एक काम करती हूँ, हम सारे लोग मशवरा कर लेते हैं इस चीज को, क्योंकि ये जो कलर आपने बनाया है ना ये कलर अच्छा है। अच्छा है। हाँ आप दोनों ये कलर और ये दोनों डार्क कलर आप कह रहे हैं कर लें। ये फोर फिलिंग्स का ये दीवार, ये दीवार है, ये सही है। अच्छा ये सेटिंग है, ये ऑरेंज कलर मुझे मजा नहीं करता। ये नहीं कर रहा तो फिर कुछ ठीक रहा है। ये मैं किसी अलग से वाली पे ना दीवार पे करा लूंगी। भाई फिर ये वाला इसमें कुछ डलवा के कुछ और चेंज करवा लूं। ये देखिए मेरी बात सुनिए, अभी ये अलग ठीक है। ये देखो ये वाला कलर, ये दोनों आपने बनाए थे ना। हाँ, ये मेरे ये वाला बना दें इसको, ये कलर है ना सही है, ये वाला अच्छा लग रहा है। मम्मी ये क्या, ये तीन रंग का कर कपड़ा करना चाह रहे हैं? मैं तीन रंग का नहीं, इस कमरे का नहीं कर रही, ये वाला जो कलर है ना दूसरे कमरे के लिए। ये ग्रीन अच्छा लग रहा है। कल आ जाते हैं आप टाइम पे, मैं आपको सारी चीजें बता देती हूं। आप देखें ये कल वो मैंने गाड़ी खोली हुई थी सीटें उसकी, ये ग्रीन कलर बोल रहे हैं। हां ये ऊपर पोर्च सीलिंग पे ग्रीन कलर कह रहा है, पोर्च सीलिंग नहीं अच्छा लगेगा भाई। ऊपर का और ये वाली दीवार भी है, इसका एक कलर बता दे कोई भी चाहिए ना। ये जो पोर्च सीलिंग पे आई है अभी कलर बनेगा तो मैं जो कलर बनाएंगे तो मैं कलर का प्रोसेस किस तरह से बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। आप लोगों को मुझे कमेंट जरूर करके बताना है कि कौन सा कलर किस दीवार पे सूट करेगा, क्योंकि अभी ये दीवारें बाकी हैं, मतलब ये कॉमन का एरिया जो है वो पूरा बाकी है और किचन बाकी है, कमरे बाकी हैं दोनों और बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। तो तारिक भाई कलर मिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या क्या किया इस कलर में? ये बन रहा है कलर का प्रोसेस, छोटी सी बाल्टी आपने डाल दी, रेसिपी मैं आपको कलर की बता रही हूँ। इतना गाढ़ा क्यों है? तो बहुत बहुत गाढ़ा है पानी। तो ये कलर पक्के होते हैं जी? अच्छा अच्छा क्या हम मास्टर पेंट की प्रमोशन करेंगे अब? पहले क्या था सिर्फ पानी के अंदर ट्यूब डाली जा रही, कौन सी ट्यूब डाल रहे हैं? काली काली ट्यूब डाल रही है। अब देखते हैं कि ये और कितना अच्छा बन जाएगा। ये हो रहा है मिक्स मिक्स मिक्स, ये तो काला हो गया। हाँ अभी इसमें वाइट लगेगा ना। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे ये कलर मिक्स हो रहा है। इसमें ट्यूब में भी पानी डालेंगे क्या? अब ये देखें जैसे इन्होंने मुझे दिखाया था ना। हाँ। ये सेम वो कलर। हाँ ये आ गया, यही हो गया ना, सही है। अभी इसमें एक और डालूंगा ट्यूब, फिर और ज्यादा तेल हो जाएगा। अच्छा अभी ये चेक करेंगे कि ये कैसा दिखता है डाल के, चेक करवाना है डाल के कैसे दिख रहा है। वाइट लगेगा ना? हाँ सही है ना, वाइट की वजह से थोड़ा सा जो है ये लाइट हो जाएगा। हाँ लाइट हो जाता है। वाइट नहीं, ज्यादा वाइट नहीं डालें, पानी मिक्स करके डालेंगे। हाँ मैं अभी खुद भी सोच रही थी, मेरे फोन का कवर और ये कलर एक जैसा लग रहा है बिल्कुल। वो वाला ज्यादा पर्दे वगैरह के लिए और जो सोफे वगैरह चेंज करने हैं उसके लिए हम लोगों ने पहले से मशावरत कर ली है। कलर जो है वो मिक्स कर लिया है तारिक भाई ने। और ये हरा पानी डालेंगे इसके अंदर? नहीं नहीं नहीं, पानी ये थोड़ा सा गिर गया है। अच्छा जी, तो अब इससे किससे मिक्स करने लगे? अच्छा अच्छा, ये जो कलर सामने हुआ हुआ है दीवार पे इसमें डालना है। हाँ ना, एक देखो ये वाली वो घिसाई करी है ना, ये इसलिए उतर रहा है ना तारिक भाई, ये घिसाई करी इसलिए उतर रहा है। तुम यूं दीवार पे, मैं करके बताती हूँ ये। मैं करके बताऊँ? नहीं नहीं सच में करके बताऊंगी। इधर आओ इधर इधर आओ। नहीं नहीं, हाँ मुंता एक मिनट आओ,
मुंदा मजा आया याद आया वो दुकान वाले से फेस पाउडर लाना ना नहीं नहीं घर में हमारे बहुत सारे फेस पाउडर है रुको ये देखो देखो ये लग गया फेस पाउडर ये देखो फेस पाउडर लग गया बता देखो फेस पाउडर अच्छा भैया बीच में ना इतनी हो जाती है अच्छा जी कलर बनने के बाद जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है ये भी सूखेगा खुश होगा तो वो फिर पता चलेगा खुश होगा अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है क्योंकि ये इसे कल कंप्लीट करेंगे ये वाला कलर ज़्यादा सही है ये वाला कलर ज़्यादा सही है आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है फाइनली हमारे कलर जो है वो सारे डिसाइड हो गए हैं और तारिक भाई कलर्स लेकर आ गए हैं और एक बहुत डार्क कलर है उसको वो मिक्स करेंगे अब उसमें लाइट बनेगा तो कुछ चेंजेस ये हो गए हैं कि हमने 2 और 3 इन पे कराना हमने सेम कलर और इस दीवार पे हमने कराना है चेंज कर आपने पेंट नहीं करवा रही अपने रिंग कौन नहीं करवा रही नहीं आप आपने सिस्टम से नहीं करवा रही पीछे भी बैकग्राउंड पे बता रहे हैं नहीं नहीं मुझे बैकग्राउंड पे कौन बताएगा ये सारी मेरी खुद की थॉट्स थी कि मैंने ऐसे कराना है लेकिन ये कलर थोड़ा डार्क होगा तो ये और अच्छा लगेगा फिर अब ये तीन चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी और तीन चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये वाला जो कलर हुआ हुआ है ये इसी तरह से बेहतर है क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुआ है इसमें हम और कलर मिक्स करेंगे तो ये और टेस्ट हो जाएगा और डार्क अच्छा लगेगा लाइट अच्छा लगेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है ठीक है तो अभी इस कलर में जो तारिक भाई थोड़ा सा लाइट करेंगे लाइट करने के बाद इसको फिर यहाँ पर हम एक ब्रश मार के चेक करेंगे कि कितना छोड़ दें भैया आपकी तबीयत वैसे ही सही नहीं है सिला बतुल तो गाइज ये था आज का ब्लॉग होपफुली आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट भी ज़रूर करें मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सा कलर ड्राइंग रूम में सेट होगा और अभी बहुत सारे कलर्स बाकी हैं और मिलेंगे अगले ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं अभी कलर बनेगा तारी भाई जो कलर बनाएंगे तो मैं कलर का प्रोसेस किस तरह से बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी आप लोगों को मुझे कमेंट जरूर करके बताना है कि कौन सा कलर किस दीवार पे सूट करेगा क्योंकि अभी ये दीवारें बाकी हैं मतलब ये कॉमन का एरिया जो है वो पूरा बाकी है और किचन बाकी है कमरे बाकी हैं दोनों और बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं तो तारिक भाई कलर मिक्स कर रहे हैं लेट्स सी कि वो किस तरह से बना रहे हैं कलर तो सबसे पहले आपने क्या क्या किया इस कलर में ये बन रहा है कलर का प्रोसेस छोटी सी बाल्टी आपने डाल दी रेसिपी मैं आपको कलर की बता रही हूँ इतना गाढ़ा क्यों है ऐसे ही होता है ये तीन दीवारों पे कंप्लीट आ जाएगा ना तो बहुत बहुत गाढ़ा है पानी और इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे डब्बा बंद करके हिलाएंगे ऐसे करेंगे इसको तो ये कलर पक्के होते हैं जी ये बने हुए हैं ना अच्छा अच्छा क्या क्या होते मैं मास्टर पेंट्स के ऐड देके क्या करूँगी तो सही मैं मास्टर पेंट्स के ऐड देख के क्या करूँ सब दिख रहा है मैं मास्टर पेंट्स के ऐड देख के क्या करूँगी उसमें वो दिखाते हैं ना कि फोर्स दोबारा बोलो उसमें दिखाते ना फोर्स नहीं होती दूसरे पेंट की खराब हो जाती है मगर मास्टर पेंट से वो सालों साल चलेगी जैसे 14th century में कोई करवाया होगा तभी तो हम मास्टर पेंट की प्रमोशन करेंगे अब ये क्या ये क्या किया दोबारा करो दोबारा दोबारा करो पानी फेंक दिया पहले क्या था इसमें पानी पानी था चलो जी कहाँ तक बना कलर हमारा अगर ये किसी मेरे दोस्त ने सेव किया ना वैसा भी मुझे तो आई नहीं तो जी एक कलर के अंदर ट्यूब डाली जा रही है कौन सी ट्यूब डाल रहे हैं काली काली ट्यूब डाल रही है अब देखते हैं कि ये और कितना अच्छा बन जाएगा ये हो रहा है मिक्स 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 ये तो काला हो गया अभी इसमें वाइट लगेगा ना अच्छा अच्छा ये कलर है तो यहाँ पे ये कलर मिक्स हो रहा है इसमें ट्यूब में भी पानी डालेंगे क्या जी
अब ये देखें जैसे इन्होंने मुझे दिखाया था ना, हाँ। ये सेम वो कलर आ गया। हाँ। वर्दा ये देखो, वर्दा जो कलर तुमने बताया था ना बिल्कुल वैसा हो गया। तारिक भाई कह रहे हैं देखो। हाँ ये आ गया, यही हाँ। हो गया ना, सही है। अभी इसमें एक और डालूंगा ट्यूब, फिर और ज्यादा तेज हो जाएगा। अच्छा, अभी ये चेक करेंगे कि ये कैसा दिखता है डाल के, चेक करवाना है डाल के कैसे दिख रहा है। वाइट लगेगा ना। हाँ सही है ना, वाइट की वजह से थोड़ा सा जो है ये लाइट हो जाएगा। हाँ लाइट हो जाता है। वाइट नहीं, ज्यादा वाइट नहीं डालें, फिर ऐसा ही हो जाएगा। तो भाई ये बिल्कुल बिल्कुल पानी तो नहीं मैंने बना के लगाना। हाँ तो ये चाहिए ना। अच्छा तारिक भाई जो है कलर, एक और ट्यूब डालेंगे इसमें, पानी मिक्स करके डालेंगे। नहीं भैया वो फिर कलर वैसे तो अच्छा लग रहा है, ये था बड़ा प्यारा कलर है ये। लेकिन ये इसके साथ आपको कटर जो है वो चेंज करने पड़ेंगे पर्दे पे। हाँ पर्दे, हाँ वो तो हमने हमने पहले से उसके लिए कवर और कलर। हाँ मैं अभी खुद भी सोच रही थी, मेरे फोन का कवर और ये कलर एक जैसा लग रहा है बिल्कुल, वो वाला ज़्यादा। पर्दे वगैरह के लिए और जो सोफे वगैरह चेंज करने हैं उसके लिए हम लोगों ने पहले से मशावरत कर ली है कि हमें पर्दों के कवर पर्दे चेंज करने और हमें कवर वगैरह चेंज करने। पानी डाल दिया। ये आपका बेंच ये है ना, ये चाहिए कलर जो है वो मिक्स कर लिया है तारिक भाई ने। और ये हरा पानी डालेंगे इसके अंदर? नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा गिर गया है। अच्छा जी, तो अब इससे किससे मिक्स करने लगे? अच्छा अच्छा, ये जो कलर सामने हुआ हुआ है दीवार पे इसमें डालना है। कुछ का कुछ बन गया था? नहीं नहीं, ये वो भी दीवार पे लगा के देखेंगे ना। ये हो गया मिक्स कलर। मैं आपसे दूर आ रहा हूँ यहाँ पे, आप मुझे काम आप ही करने दे, आप थोड़ा सा ना मुझे टाइम दे दीजिए बना लेंगे। अब देखें भाई सेम आ रहा है नहीं? देखो वर्दा सेम आ रहा है आपके पास का। हाँ हाँ सेम है, अभी दीवार पे कलर करके पता चलेगा ना। चले जी, अब हम तारिक भाई जब दीवार पे एक ब्रश मार के चेक करेंगे कि ये कलर कैसा आ रहा है। सारी दीवार ऐसी एक ही कलर सारी क्या हुआ? हाँ ना, एक देखो ये वाली वो घिसाई करी है ना, ये इसलिए उतर रहा है ना तारिक भाई, ये घिसाई करी इसलिए उतर रहा है। तुम यूं दीवार पे, मैं करके बताती हूँ ये ना, मैं करके बताऊँ? नहीं नहीं सच्चे मैं करके बताऊँगी। इधर आओ, इधर इधर आओ। नहीं नहीं आओ मुंता, एक मिनट आओ मुंता, मजा आएगा जल्दी आओ। नहीं नहीं घर में हमारे बहुत सारे फेस पाउडर है, रुको ये देखो ये देखो देखो ये लग गया फेस पाउडर, ये देखो फेस पाउडर लग गया, वरना देखो फेस पाउडर। अच्छा भाई अभी इसमें ना इतनी हो जाती है। अच्छा जी, कलर बनने के बाद जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये भी सूखेगा? हाँ खुश होगा, तो वो फिर पता चलेगा खुश होगा। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है क्योंकि इसे कल कंप्लीट करेंगे, ये वाला कलर ज़्यादा सही है ये वाला या ये वाला कलर ज़्यादा सही है, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, तो गाइज ये था आज का ब्लॉग, होपफुली आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सा कलर ड्राइंग रूम में सेट होगा, और अभी बहुत सारे कलर्स बाकी हैं। और मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।